हरे कृष्णा मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक अपना एक अनुभव बताऊंगी एक औषधि के साथ, कि वो इतनी ज़्यादा कारगर है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। लोग कहते थे, लेकिन कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता था। मैं सिर्फ डॉक्टर की दवाई पे विश्वास करती थी कि डॉक्टर ने जो दवा दी है बस वही काम करेगी, इसके अलावा और ये पेड़ पौधे पत्तियाँ तो कुछ काम ही नहीं कर सकती। लेकिन कमाल की बात है कि सच में मैंने ये एक्सपीरियंस देखा है, अनुभव किया है। एक बार मेरा बेटा बीमार हो गया, वो 7 साल का है, मैं आपको बताती हूँ। 7 साल का है, उसको बहुत तेज़ बुखार आया, उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो टाइफाइड होने का डर है और टाइफाइड हो सकता है और कम से कम 1 हफ्ते तक दवा चलेगी। तो मैं भी बहुत परेशान हो गई, मेरे हस्बैंड भी बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे क्या होगा, डॉक्टर ने इतना बता दिया है, इतना तेज़ बुखार है और अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो डॉक्टर ने दवा दी और बच्चे को जब दवा खानी थी वो कम से कम 7-8 टैबलेट खानी थी एक टाइम पर। एक टाइम पर इतनी सारी टैबलेट्स, मतलब चार तो वो होंगी, 2 अलग से टैबलेट्स थी और कुछ पीने वाली भी सिरप था, वो भी उसको लेना था। तो एक टाइम पे उसको देना बड़ा मुश्किल हो रहा था, वो खाता नहीं था। तो मैंने एक दिन उसको एक दिन पूरी डोज दी, सुबह की, शाम की और दोपहर की, तीनों डोज दी। उसके बाद मैंने देखा कि वो रात में वो सो नहीं पा रहा, वो इतना ज़्यादा बेचैन हो गया कि वो सो नहीं पा रहा, करवटें बदल रहा है, नींद नहीं आ रही, उठ उठ के बैठ रहा है, उसको बड़ी बेचैनी हो रही, बार बार वो पानी मांग रहा है। मैंने सोचा डॉक्टर की दवा कितनी ज़्यादा गर्म है, इसको कैसे होगा। उसको डॉक्टर ने बोला कि 1 हफ्ते तक तो अभी खिलानी है, उसके बाद भी हो सकता हो खिलानी पड़े। तो मैंने सोचा कि जैसे कि मुझे बताया गया था कि मैं वो एक चीज़ आजमा के देखूँ, बात करती हूँ मैं आपको, वो बताऊँगी कि वो क्या है। वो है गिलोय, गिलोय की बेल, गिलोय की जो डंडी होती है उसका रस पिलाने के लिए कहा गया था, मुझे बताया गया था, जैसे बाबा रामदेव बताते हैं या कोई और जो जानकार होता है वो बता देता है। तो कभी कभी इन सब चीज़ों से ज़्यादा सोचते हैं कि मैं डॉक्टर की दवा खिलाते रहो, उससे काम हो जाएगा, उससे हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है, दवा खिलानी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि 1 हफ्ते तक तो, जब ये इसको एक रात में इतनी नींद नहीं आ पा रही है तो आगे कितनी बेचैनी होगी, और टाइफाइड का डर बता दिया है। मैंने उसी दूसरे दिन मैंने दवा के साथ, मैंने उसको दवा तो देनी बंद नहीं की, मैंने दवा के साथ क्या किया, वो गिलोय के जो पत्ते हैं और उसकी जो डंडी है उसको तोड़ के, उसको चीर के, 3-4 टुकड़े चीर के उसको मैंने काढ़ा बनाया। उसको काढ़ा बनाने के साथ, उसको ठंडा करने के बाद हल्का गुनगुना मैंने अपने बच्चे को देना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से उसने पिया, लेकिन आधा आधा गिलास, एक एक कप थोड़ा थोड़ा करके उसको मैंने 2-3 बार पिला। आप यकीन नहीं करेंगे कि दूसरे या तीसरे दिन, मेरे ख्याल से तीसरे दिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे दिन उसका बुखार ऐसे गायब हो गया कि आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ ऐसे बोल रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि सच में, मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर की दवा ना करी जाए, डॉक्टर की दवा बंद कर दी जाए, लेकिन जिस तरह से मेरे बच्चे को बेचैनी हुई, मुझे, मैंने अनुभव देखा है इस बात का, मैंने किया कि हो सकता हो कि ये कैसे रात में, हर एक रात तो ये सो नहीं पाया है, तो ये कैसे आगे कैसे इतनी सारी दवाइयाँ खाएगा। तो मैंने कहा मैं आजमा के देखती हूँ, मैंने सिर्फ आजमा के देखी है वो, और वास्तव में कमाल हो गया, इतनी कारगर दवा औषधि गिलोय की, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे घर में ही लगी हुई है वो, मैंने बस एक जरा सी डंडी इसकी काट के लगा ली थी, बाकी ये बहुत ही ज़्यादा फैल गई है और ये पूरी ऊपर तक फैल गई है। तो आपने देखा कि ये गिलोय की जो बेल है ये इतनी ज़्यादा, मैंने इसका काढ़ा बना के अपने बच्चे को पिलाया तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसका बुखार तो छूमंतर हो गया। उसके बाद तो ना डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ी, ना 1 हफ्ते दवा देने की ज़रूरत पड़ी। मैं ये नहीं कह रही आपसे, मैं फिर भी यही कहूँगी कि दवा की तो बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने तो एक ये आजमा के देखा था नुस्खा कि ये कितना काम करता है। तो वास्तव में उस दिन के बाद से सिर्फ एक दिन दवा लेने की ज़रूरत पड़ी, दूसरे दिन तीसरे दिन तो दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा बुखार टूट गया। तो इतनी कारगर चीज़ है ये।
तो आज की वीडियो में यही तक, जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शो बताया है, और अगली वीडियो में आपको मैं कुछ और ख़ास स्पेशल जो भी होगी जानकारी देती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली अच्छे से अच्छी वीडियो मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।